नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार रोशनी दर्शन न्यूज़ चैनल से हिंदी भवन नई दिल्ली से हूँ। आज यहाँ पर एक साहित्यिक कार्यक्रम रखा गया है, पुस्तक का लोकार्पण। इस पुस्तक के लोकार्पण में हम लोगों ने सम्मिलित हुए, रोशनी दर्शन के सारे टीम यहाँ अवेलेबल है। आज हम इनका साक्षात्कार करेंगे और साथ में आए हुए लोगों का भी विचार जानेंगे। आज यहाँ पर अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, जिसके राइटर डॉक्टर सूरज मृदुल हैं। उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ उपलब्ध हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने सभी सदस्यों से बात करने की कोशिश की है। उसी में एक और सदस्य उपलब्ध है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, रोशनी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम नतिका मृदुल है। सो एंड ये इवेंट मेरे ससुर जी का था एंड डॉक्टर सूरज मृदुल जी का। एंड आपका अभी एट प्रेजेंट आप क्या करती हैं? आप स्टूडेंट हैं या पढ़ाई हो चुकी है? मैं बेसिकली एक पैकेजिंग इंजीनियर हूँ। सो करेंटली आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल। सो योर फादर इज अ राइटर ऑफ अभिनंदन ग्रंथ। सो हाउ इट विल बी द हेल्पफुल फॉर समाज सोसाइटी? हम हिंदी में बात करें क्योंकि इंग्लिश बोलेंगे और हिंदी का चीज़ है। तो सबसे पहले बताएं कि अब पापा एक राइटर हैं, इसमें आप एक बेटी के रूप में अपने पापा के सराहनीय कार्य को कैसे संक्षेप में कहें? मैं अभी इस चीज़ से रूबरू हुई हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जिसमें मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एंड स्पेशली हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य अभी धीरे धीरे विलुप्त सा होता जा रहा है। तो पिताजी का एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के लिए एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस टू हिम। थैंक यू सो मच। तो ये थी उनके डॉक्टर इनला हैं ये डॉक्टर सूरज मृदुल के, जिन्होंने ये कहा कि समाज में हिंदी का साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है और उनके फादर इनला डॉक्टर सूरज मृदुल समाज को इसी तरीक़ा से तरह तरह के साहित्य देते रहेंगे, जिससे समाज को फ़ायदा होते रहेगा, समाज लाभान्वित होते रहेगा। पाठकों के लिए आने वाला भविष्य में बहुत तरह के ग्रंथ मिलेंगे। अभी अभिनंदन ग्रंथ मिला है। पर अभिनंदन ग्रंथ का उद्घाटन हुआ है, इसमें जो राइटर हैं उनके सुपुत्र भी हमारे साथ उपलब्ध हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं सर। अपूर्व मृदुल। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आपके पिताजी के द्वारा लिखा हुआ अभिनंदन ग्रंथ का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर और इसका लोकार्पण में आप लोग सारे परिवार उपलब्ध हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक सुपुत्र के नाते आप इस पर अपना क्या विचार रखते हैं? एक कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता और बहुत गर्व हुआ अपने पिता के लिए कि कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। काफ़ी सम्मान लेखक के पूरी कम्युनिटी आई थी यहाँ और काफ़ी अच्छा से उनका अभिनंदन किया, इनॉग्रेशन किया, विमोचन किया इस बुक का। काफ़ी अच्छे वचनों से मेरे पिताजी का आदर किया। काफ़ी कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे से किताब का रिव्यू दिया। एक किताब मैंने भी पढ़ा है, कुछ पेजेस मैंने भी उल्टे इसके, हमारी लाइफ की, हमारी जो जर्नी है, मेरे फादर की जो जर्नी है, उनका जो रिलेशन है हमारे साथ, उनका जो रिलेशन है, संबंध है उनके आपस के लेखकों के साथ, उनके अपने पिता के साथ, उनके अपनी माँ के साथ, काफ़ी अच्छा से संक्षेप में लिखा है इन्होंने इस किताब में। और मैं आग्रह करूँगा कि जो भी ये सुन रहे हैं वो भी एक बार इसको पढ़ने की सोचे और इस पर अपनी रिव्यू दें।
आपको बहुत बहुत आभार, आपने अपने पिताजी के किए गए सराहनीय कार्य के बारे में बताया और हम लोग सुखद भविष्य की कामना करेंगे। आप पूरे परिवार सहित इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है। इसी संदर्भ में हमारे साथ उपलब्ध हैं एक और पार्टिसिपेंट, जिनसे मैं उनका खुद परिचय लेता हूँ और जानना चाहता हूँ कि उनका नाम क्या है और वो अपना डिटेल बताएं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपने बारे में ही बताएं कि आपका परिचय क्या है। मैं आकाशवाणी में समाचार वाचिका हूँ, कनकलता। तो आप खुद आकाशवाणी से हैं तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप सबसे पहले अभिनंदन ग्रंथ में पार्टिसिपेट किया यहाँ पर आकर के उद्घाटन में, सबसे पहले ये बताइए कि अभिनंदन वर्ड सुनकर के आपके मन में क्या आया और क्या जिज्ञासा जगा, अभिनंदन में क्या होगा? बिल्कुल, मैं जैसे उन्होंने मुझे बताया था तो मैं समझ गई थी कि इसमें जो श्री सूरज मृदुल जी हैं उनकी जो रचनाएँ हैं उसकी प्रशंसा में काफ़ी कुछ लिखा गया होगा और ये उनकी वर्षों की मेहनत का फल है। तो मुझे पता था कि जो वहाँ आएंगे प्रबुद्ध साहित्यकार और जो लोग होंगे उन्होंने निश्चित रूप से उनकी रचनाओं को पढ़ा होगा और तभी उन्होंने वहाँ आना सहर्ष स्वीकार किया होगा। और जब मैंने उनका वक्तव्य सुना, उनके भाषण सुने, उनकी समीक्षा सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो इन्हें बचपन से जानते हैं, हमने कई रचनाएं इनकी पढ़ी हुई हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि इतने अच्छे, इतने बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ आए हैं और उन्होंने सबने इनकी इतनी प्रशंसा की तो वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। कई भाषाओं में इनका प्रकाशित हुआ है, लगभग 33 से किताब हो गया इनका, यहाँ तक कि मैंने देखा कि भोजपुरी भाषा में भी इनका आया हुआ है और सारे मराठी में, असमिया में, अंग्रेजी में, सब में आया हुआ है। तो इनसे समाज क्या और क्या उम्मीद कर सकती है, या आप अपने विशेषतर से पर्सनल लेवल पर क्या उम्मीद कर रही हैं कि समाज को आगे आने वाले समय में सूरज मृदुल साहब से के कलम से और क्या क्या मिलने वाला है? हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे और हमारा पूरा विश्वास और शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो इसी तरह से अपनी रचनाओं से समाज को आलोकित करते रहेंगे और उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मैम आकाशवाणी से कनकलता मैम, इन्होंने अपना प्रकाश दिया। मैं प्रमोद कुमार, रोशनी दर्शन न्यूज चैनल से हिंदी भवन से उपलब्ध हूँ। आज यहाँ पर अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण था जिसके राइटर हैं डॉक्टर सूरज मृदुल, उसी में एक और पार्टिसिपेंट हमसे बात करेंगे। मैम, रोशनी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैम थोड़ा अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर संगीता, मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आज का ये दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, गर्व का दिन है और हमें ये अवसर मिला इस अभिनंदन ग्रंथ के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का। आप साइकोथेरेपिस्ट हैं और जो साहित्य होता है वो भी एक तरह से समाज को मनोविज्ञान रूप से प्रभावित करता है, तो आपको अभिनंदन का ग्रंथ का समारोह में आ करके जो भी अनुभूति हुआ है ये बताइए कि ये समाज को अभिनंदन क्या क्या दे सकता है, इससे क्या क्या मिल सकता है? देखिए, हमारे समाज में लेखक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। विज्ञान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन जो लेखक होता है वो समाज के लिए वो चीज़ छोड़कर जाता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश देता है और ये जो वो समाज का एक ऋण बन जाता है। तो आज के समय में अगर इतने अच्छे ग्रंथों का लोकार्पण हो रहा है तो एक बच्चों को और आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा और उनके लिए खजाने की तरह काम आएगा, जिससे वो अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को पेच उतार सकते हैं। आज के बच्चे हिंदी के साहित्य नहीं पढ़ना चाहते हैं और अभिभावकगण भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में पढ़े, तो उसके लिए आप मनोवैज्ञानिक तरीका से कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए कि हिंदी भी पढ़े बच्चा।
ये तो हमारी मानसिकता है कि हम हिंदी को थोड़े उस स्तर पर नहीं रखते हैं, अपने देश में ही हमारे हिंदी भाषा को उतना स्थान नहीं मिलता है जितना कि बाहर की भाषाओं को मिलता है। तो अगर संस्कार में हम हिंदी को लेकर आते हैं, बाहर के जितने विकसित देश हैं आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सब लोग अपने लैंग्वेज में ही आगे बढ़ रहे हैं। आप जर्मनी जाएँ या किसी और कंट्री में भी जाएँ तो उनके अपनी लैंग्वेज में ही इतना तरक्की कर चुके हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी आपने देखा ही होगा, हर जगह इन्होंने पूरे विश्व गुरु के स्तर पर अपने आप को स्थापित कर लिया है। हर देश आज भारत की सराहना कर रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम इंग्लिश को अगर महत्ता दें और हिंदी को ना दें तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। रोशनी दर्शन से बात करने के लिए मैम बहुत बहुत आभार। सो ये थी साइकोथेरेपिस्ट रोशनी दर्शन से, जिन्होंने अपना प्रकार डाला और मनोवैज्ञानिक तरीका से साहित्य का कैसे इस्तेमाल समाज के लिए हो सकता है उस पर इन्होंने जोर देकर कहा। यहाँ पर आज अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, इसके जो राइटर हैं श्री मृदुल सर, उनके धर्मपत्नी हमारे साथ उपलब्ध हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम। कहा गया है कि किसी भी पुरुष के सफलता में उसके पत्नी का या उसके वाइफ को जो भी उनके जीवन में होते हैं उनका बहुत योगदान होता है, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि उनके इस बिजी शेड्यूल में उन्होंने समाज के लिए जो अभिनंदन ग्रंथ लिखा इसमें आपका कितना पारिवारिक जीवन पर असर पड़ा और कैसे आपने सहयोग किया? इनको लिखने का सुझे शौक था तो ये मैंने अपनी ग्रंथ को अपने लेखनी को 50 साल से जारी रखे हैं, तो मैं भी इनको सहयोग करती रही और इनके पुस्तक को पढ़ती थी और इनके पुस्तक पढ़ के बच्चों को बताती थी देखो इनका क्या मार्गदर्शन मिल रहा है, तुम लोग भी इसको सीखो इसे। तो मुझे आशा है कि इनकी किताबें पढ़ के बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसका उनका मार्गदर्शन मिलेगा और जो होती है संस्कार क्या होता है नहीं होता है उसमें सभी किताबें बहुत कुछ दिए हैं तो खुशी होती है। मैं भी इनके साथ ये अपने रचनाएं में सुनाते हैं मुझे, मैं शौक से सुनती हूँ हालांकि मुझे समय नहीं मिलता घर गृहस्थी से, फिर कभी मैं कभी रात फुर्सतें बैठती हूँ तो मैं इनकी रचनाएँ सुनती हूँ पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है मन बहल जाता है और लगता है देखिए मैंने दूसरों के मार्गदर्शन के लिए इनका क्या सोच है क्या आगे कर सकते हैं यार, बड़ा अच्छा लगता है। उस समय कैसा लगता है जब आप कहीं भी परिवार में जाते हैं समाज में जाते हैं जब लोग बोलता है कि ये मृदुल साहब की पत्नी हैं जो कि राइटर हैं, उस समय आपका कैसा फीलिंग है उसके बारे में थोड़ा बताएं? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इतने बड़े मैंने राइटर की पत्नी हूँ, ये हमारा सौभाग्य है। मैंने अंदर से इतना गदगद जाती हूँ मैं इसका कल्पना मैं शब्द में नहीं कर सकती हूँ। तो आने वाले समय में आपके तरफ से समाज को और क्या मिलेगा कि आपके पति के कलम से क्या क्या उम्मीद करें, कितना किताब लिखाएगा, कब तक किस उम्र तक आते रहेगा? मैं तो चाहती हूँ ईश्वर इनको इतना स्वस्थ दें, इनको इतना अच्छा हेल्थ दें कि वह सांस अंतिम सांस तक वो लेखनी का कार्य करें और लोगों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत आभार मैम। ये थी हमारे डॉक्टर सुरन मृदुल साहब की धर्मपत्नी जो कि अपने रोल को बता रही थी कि आने वाला समय में तरह तरह के समाज को मिलेगा। प्रमोद कुमार, रोशनी दर्शन न्यूज़ चैनल से, हिंदी भवन, नई दिल्ली।